ये सदस्यों और जानकर खुशी होगी कि अब केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को और बेहद रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी तथा पूर्व में अनुमानित परियोजना के लिए आवश्यक राशि 37,250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना इंप्लीमेंट की जाना प्रस्तावित है। हमने इसको बढ़ाया है, आपको भी इसमें तो खुश होना चाहिए ना। आपको तो हर चीज में आपत्ति, जनता को कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, जनता को प्यासा रखो, भूखा रखो, गरीब रखो। अरे माननीय अध्यक्ष, आप बोलिए, बैठिए, आपका मौका दूंगा, आपका मौका दूंगा। पेयजल एवं सिंचाई हेतु आपका मौका, मुझे कहना पड़ेगा क्या कुछ? मुझे कहना पड़ेगा पेयजल, आप पेयजल एवं सिंचाई हेतु निर्मित की जा रही परियोजना के साथ साथ छोटे छोटे स्तर पर, अरे सुनना है तो सुनिए, नहीं तो राजो आस्थान पांव पे है। श्रीमान धारीवाल जी, मैं आपका नाम पुकार रहा हूँ, बैठिए, आप बैठिए। सेतु जल संग्रहण करना भी अति आवश्यक है। सुनना पड़ेगा मुझे भाषण, हमारी सरकार का जो मौका आएगा तो मैं बोलिए, जल संग्रहण एवं संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई थी। बैठिए, अब मैं पुनः आगामी वर्ष से लगभग 11,200 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किए जाने की घोषणा करती हूँ। वेल में आओगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। वेल में आओगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। आगामी 4 वर्षों में 20,000 सीटों में जाइए, अपने सीटों में जाइए, अपने सीटों में जाइए, आप भी बीचों नहीं बोलेंगे। आप मिस्टर बोरा, इसके तहत आगामी 4 वर्षों बोरा, रोहित बोरा, 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में आगामी वर्ष 5,000 से अधिक गांवों में 3,500 करोड़ रुपए की राशि से 10,000 कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। सीटों में जाइए, सबसे निवेदन है, सीटों में जाइए, सीटों में जाइए, वन संरक्षण, अपने अपनी सीटों में जाइए, अपने सीट में आगामी वर्ष, अरे आपने भी पढ़ाया पहले, सीटों में जाइए, सीटों में जाइए। एक मिनट मुख्यमंत्री जी कुछ कहना। बैठ, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको थोड़ा आपको लगना चाहिए। और अरे सुनिए आपको, अरे नेता, आपको ये दिक्कत, आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पहले सुनिए, बैठिए, आप मर्यादा की बात, बैठिए, कृपया बैठिए, आप मर्यादा की बात करते हैं, थोड़ा मर्यादा में हमको भी बैठे बैठे बोले देखना चाहिए। देखिए, ये बजट है, ये कोई बहस नहीं है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसे नहीं। अरे बैठिए, सदन के नेता जब खड़े हो आप, हाँ मैं दूंगा, मैं माननीय सदन के नेता से कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी, कि हमें महिला के बजट पढ़ने से कोई एतराज नहीं है, और महिला भी हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री है। आप महिला क्यों कह रहे हैं? आधी आबादी का नेतृत्व कर रही है। माननीय वित्त मंत्री हैं, हम तो माननीय हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ माननीय कि महिला वित्त मंत्री हैं और वो बजट पढ़ रही हैं, आपको थोड़ा शांति से बजट को सुनना चाहिए हर बात। अरे अरे धारीवाल जी, आप सीनियर हैं सदन के नेता, अरे सदन के नेता सदन सुनिए, फिर आपका मौका, सुनिए बैठिए, सुनिए धारीवाल जी, सदन धारीवाल जी, धारीवाल जी सुनिए, ये विपक्षी नेता खड़े हो, कोई नहीं खड़ा होगा, धारीवाल जी आप सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप इस सदन के सीनियर हैं,
आप इस सदन के सीनियर हैं, क्यों बैठा दिया आपसे जो नए लोग हैं कुछ शिक्षा भी लेंगे। आप नेता बोल रहे हैं, आप शिक्षा दीजिए, आप सदन के सीनियर हैं, ऐसे नहीं होता है। अरे बैठ, जब खड़े तो आप बैठिए, ऐसे नहीं होता है, उन मर्यादाओं को। अरे सुनिए, नहीं नहीं, आप बैठिए, आप ऐसा मत करिए, पहली बार चुन क्या होगा? ये सदन की गरिमा, सदन की गरिमा हम सबका रखना आवश्यक है। अरे सदन, ये सदन है, ये सदन की गरिमा रखना हम सबका कर्तव्य है। हम पक्ष विपक्ष बाद में, लेकिन ये सदन है, ये सदन है, हम पक्ष विपक्ष बाद में, पहले ये सदन है, और इस सदन की गरिमा हर सदस्य को रखना आवश्यक है। हमारी माननीय महिला वित्त मंत्री बजट पढ़ रही हैं, आपको कहना है, वो आपको मौका मिलेगा। बैठे बैठे श्रीमान, आपको ये ऐसे थोड़ी है। बोहरा, अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, तमाशा बना रखा है तुमने सदन को। VK News, राष्ट्र के नाम।